और ऐसे ही हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, दुर्गा रूपिणी सब आगे बढ़े। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी पहले नारी शक्ति को ही अपनाया है तो आज वो ऊंचे शिखर पर पहुंचे। इसी प्रकार ये मढ़ में भी मैंने यही देखा, विशाल ने भी और उनकी टीम ने, नंदन जी और जो भी त्रिपाठी मैडम है, सभी लोगों ने महिला शक्ति को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो भी उसी शिखर पर वो जरूर पहुँचेंगे जो उनकी इच्छा है वो। और समारोह बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित योगेश वर्मा जी, रेखा जी, कोमल जी, हमारे विशाल भाई जी, उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, जिसमें जैसा आप सभी जानते हैं कि एक घर से लेकर देश चलाने तक, आज निर्मला सीतारमण जी जब हमारे मुंबई आई थी तो अधिक से अधिक संख्या में हम महिलाएं वहां पर पहुंची थी और उनका भव्य स्वागत हुआ है। उसी तरह मैंने देखा है जब भी कोई कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है तो उसमें हमारी महिला शक्ति जिंदाबाद हमेशा उस कार्यक्रम को सफल बनाती है और अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर वो इसलिए आती है, ना कि वहाँ पे कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ ओकेजन आना है, बल्कि उनके अंदर जो वो मैं भावना देखती हूँ कि कोई चीज़ आई है तो उसको ज़मीन पर कैसे उतारना है। इतनी सारी योजनाएं तो आ रही है पर उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुँचाते हुए हमें बड़ा हर्ष होता है कि जब वो योजना जैसे उज्ज्वला योजना सिलेंडर वाली आई थी तो महिलाओं को पता चला तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसी तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बजटगढ़ के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आई हैं, म्यूनसिपालिटी में बहुत सारी योजनाएं आती है, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेस हैं, सिलाई के कोर्सेस हैं, गारमेंट लाइन के बहुत सारे एक्सेसरीज वगैरह सिखाया जाता है, साबुन बनाओ, अगरबत्ती बनाओ। तो टोटली मैं तो जहाँ तक देखती हूँ तो महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में इसमें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका दो पैसा फ़ायदा हो सके, अपने उचित समय का यूज़ कर सके। और इसी के साथ हमारे मोदी जी का हाथ मजबूत होता है और मोदी जी ने तो पहला ही कहा महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, तो हमारा देश प्रगति की ओर है ही और महिलाएं उसमें एकदम बराबर में भागीदार हैं, ये देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आज का कार्यक्रम तो भव्य और बहुत ही सफल रहा, इसके लिए सभी का फिर से दिल से धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज लिया। थैंक यू सो मच।